प्रणाम साई। राम जी भला करें। आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे? जंगल जा रहा हूँ, जड़ी बूटियां और लकड़ी लाने। को किस बात ने रुलाया है? साई, मेरी अच्छी बहुत बीमार है। मैंने एक दो लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस समस्या में वो मेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। आप चलकर देखिए ना मेरी अज्जी को। चलो। अज्जी, प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आप लेटी रहिए माई। आई बाबा नहीं है मेरे, सिर्फ आजी ही है। दो दिन से घर पे खाना नहीं बना साई, तो इन्होंने कुछ खाया भी नहीं। कितनी मुश्किल से मैंने इनको कुछ फल खिलाए, लेकिन आज सुबह से ये ठीक से बोल भी नहीं पा रही है। दिनू, तो तुम क्यों नहीं खाना बनाते? कैसे बनाऊं साई? आइए मेरे साथ। देखिए साई, मैंने आटा भी तैयार कर लिया, लेकिन बिना आग की भाकरी कैसे बनेगी? हर शाम को आजी गांव से अंगारे लाती थी, जिसे हम चूल्हा और लालटेन जला पाते थे, लेकिन आज ये इतनी बीमार है कि मैं इनको अकेला छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकता। और भूखी रहेगी तो मेरी आजी कैसे ठीक होगी? चिंता मत करो तीनू, तुम भाकरी थापना शुरू कर दो, आग का इंतजाम भी हो जाएगा। कैसे साई? तुम शुरू तो करो। दिनू, तुम यहां गांव से दूर अपनी आजी के साथ अकेले रहते हो, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है? मेरी मौसी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैंने वो मेरे लिए नए कपड़े और नए खिलौने लाती है। वो तो आजी को कहती है कि मुझे लेकर उनके घर रहने आ जाए, मौसा जी भी कहते हैं, लेकिन आजी मानती ही नहीं। कहती है बेटे के घर बोझ बन के रहना पाप है। बन गई साई, अब
हरि के नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम तीनों मेरी हथेली पे भाकरी सेक दो ओ जिसके हृदय में सेको दया भरी हो करुणा मैं जो सर्वोपरि हो निर्बल का जो बने सहारा हृदय वही तो हरि का धाम हरे कृष्णा इसे पलट दो बन गई भाकरी की भाखरियां भी बना लो शुक्रिया साई साई, आपके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारा प्यार जो था अब ये भाखरी आजी को खिला दो आजी ये देखिए मैं आपके लिए भाखरी लाया हूँ कभी जो कठिन हो जाए मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए अंधियारे की गहरी
रात जो आए हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम अचानक मुझे अच्छा लगने लगा, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। दीनू, ये भाखरी कहाँ से लाया? सब साई ने किया जी। समझ आया साई, आपके हाथ लगी भाखरी ने मेरी सारी बीमारी दूर कर दी। सब राम जी की कृपा है माई। लेकिन साई, अगर ये सब राम जी की कृपा है तो उन्होंने आरजी को बीमार क्यों होने दिया? दीनू, परेशानियां हमें कुछ सिखाने, हमें कुछ समझाने आती हैं। आप खुशकिस्मत हैं माई कि आपको ऐसी बेटी और दामाद मिले हैं जो आपको और दीनू को अपने परिवार का हिस्सा समझकर अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन लोग क्या कहेंगे साई कि मैं अपनी बेटी पे बोझ बन गई हूं? आपको लोगों की फिक्र है, अपनी और दिनों की नहीं। माई, यह आपकी आराम करने की उम्र है और दिनों की पढ़ाई करने की। यह बीमारी एक चेतावनी थी कि मुश्किल कभी भी आ सकती है और उससे लड़ने के लिए आपको सहायता की जरूरत है। और माई, बेटी के घर रहकर आप कोई पाप नहीं कर रही हैं, बल्कि ये तो आपके पुण्यों का फल है, बच्चों को दिए अच्छे संस्कारों का फल है। मैं समझ गई साई, मैं आज ही अपनी बेटी के पास रहने जाऊंगी। अरे वाह, अच्छा हम मौसी के पास रहने जाएंगे? हाँ बेटा। जब किसी ने मदद नहीं की तब आपने मदद की साईं। जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी बरकत। राम जी भला करें।
तो सच में हमारी नाक कटाने पर आमादा हो चुकी हो। बनो अध्यापिका ताकि लोग ये कह सकें कि अनपढ़ श्रीपाद की पत्नी कैसे उससे हर मायने में सरस है। मेरा सारा मनोबल ही चला गया। अभी अभी इन्होंने जो मुझसे कहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ा पाऊंगी, इन बच्चों को कुछ सिखा पाऊंगी। आपने कहा था आप हमेशा मेरे साथ हैं, और मैं भिक्षा के लिए निकला था। श्रीकांत ने बताया कि तुम कक्षा में अभी अभी अपना पहला पाठ पढ़ाने आई हो, इसलिए देखने आ गया। साई मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। अभी सुबह सुबह इन्होंने मुझे। राधिका तुम बंबई से हो ना, तो वहां तुम सागर तट पे जरूर गई होगी। सागर तट पे कई नारियल के पेड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे, और जब वहां तेज हवा चलती है तो उसकी तीव्रता से थप्पड़ खाकर वो नारियल के पेड़ आधे झुक जरूर जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। और जब हवा का झोंका गुजर जाता है, वो सीना तान के फिर से खड़े हो जाते हैं। राधिका, कठिन परिस्थिति में अगर झुकना पड़े तो उसे टूटना नहीं कहते। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। बच्चों आज हम पतायदान सीखेंगे। पतायदान ये क्या होता है? एक बहुत महान संत हुए ज्ञानेश्वर माउली, पतायदान उनकी सबसे बड़ी रचना है, तो आज हम पतायदान सीखेंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। Thank you.
मतलब है, अपने लिए तो सब मांगते हैं, लेकिन ज्ञानेश्वर माउली ने इस पसायदान के द्वारा पूरे विश्व के लिए सुख, खुशी और समाधान मांगा है। माउली कहते हैं, जो इंसान जिस चीज की इच्छा करे, ईश्वर उसे प्रदान करे। पूरे विश्व के इतिहास में इसे मानव कल्याण का सर्वश्रेष्ठ कामना मानी गई है। राधिका, तुम तो सचमुच बहुत गुणी हो। तुम्हारा ज्ञान जितना गहरा है, पढ़ाने का तरीका उतना ही सहज। आपने सच कहा था साईं, मुझे राधिका से बेहतर अध्यापिका नहीं मिल सकती थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.